हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में विनेग्रा 100 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। विनेग्रा 100 mg टैबलेट का मुख्यतः उपयोग पुरुषों में होने वाली इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। साइडस हेल्थ केयर कंपनी की ये 4 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 290 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली टैबलेट है। इस टैबलेट को ऑनलाइन बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां से भी इसे बाय कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। विनेग्रा 100 mg टैबलेट में सिल्डेनाफिल 100 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं? इसे पुरुषों में होने वाली इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, जिसे हम नपुंसकता कहते हैं। इसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर है जो फेफड़ों की धमनियों और आपके हार्ट की दाहिनी ओर को प्रभावित करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का यूज अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही यूज करें। इसे अपने मन से घर पर यूज न करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट रात को संबंध के 1 घंटे पहले ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी ले सकते हैं। मेरा सुझाव यही है कि आप इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो इस टैबलेट का सेवन करना बंद कर दे या अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको सिर दर्द, चक्कर आना, धुंधली नजर होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट खराब होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। यह केवल पुरुषों के लिए बनाई गई टैबलेट है, इसे कोई अन्य यूज न करे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करे, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।